हो सो पब्लिक एकदम मजे में ना, एकदम मजे में होनी चाहिए बिकॉज यार आज तो केजीएफ के फैंस का दिन है, आज तो रॉकी भाई के फैंस का दिन है। बिकॉज ओरिजिनल चीज जीत गई और डुप्लीकेट चीज हार गई। जिस तरह से जर्सी ने केजीएफ के सामने भीख मांगी है रो रो के, भाई मेरे को माफ कर दो प्लीज, हम आपका मुकाबला नहीं कर सकते। देख के एकदम फील आ गया, एकदम मजा आ गया, एकदम मजा आ गया। अच्छा जिस तरह से आज बॉलीवुड की इज्जत नीलाम हुई है बाजार में है, देख के एकदम मजा आया है ना। ऐसा लग रहा था शीला नाच रही है बॉलीवुड, मतलब बॉलीवुड के अंदर एकदम ऐसा लग रहा था शीला आ गई है, वो मस्त मुजरा कर रही है, हम उसके ऊपर हंस रहे, ऐसा फील आ रहा था अपन को। एंड वैसे भी आज जिस तरह से मतलब डायलॉग बाजी चल रही है पूरे के पूरे ट्विटर पे है ना, मतलब रॉकी भाई एकदम बाप एंड बॉलीवुड उसका बेटा फलाना ढिंकाना, एंड एक डायलॉग तो बहुत ही फेमस हो रहा है ना, जर्सी 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 आई डोंट लाइक इट आई अवॉइड बट केजीएफ लाइक्स मी आई कांट अवॉइड, मतलब केजीएफ हमको पसंद है हम तो उसको ही सपोर्ट करेंगे, जर्सी गया भाड़ में। एंड वैसे भी यार मैं जर्सी के मेकर से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोगों ने बोला तो है कि भाई 2 वीक के बाद, मतलब सॉरी 1 वीक के बाद, 8 दिनों के बाद हम हमारी मूवी को रिलीज करेंगे, मेरा घंटा भी नहीं चलेगी अभी तो, अब रिलीज कर देना तो हो सकता है 10 करोड़ का चंदा जमा हो जाता था, अब अगली बार रिलीज करोगे तो 1 करोड़ का चंदा भी जमा ही नहीं होगा, बिकॉज अब तो ऐसा लगता है कि सब बाइकॉट ही कर देंगे, बिकॉज आप खुद लोगों को बोल रहे हो कि हमारी मूवी अच्छी नहीं है, तुम्हारा घंटा उसको कोई देखने के लिए आएगा। एनीवेज भाई देखो मैं आपको सीरियसली बताऊं, अब देखो ये मूवी पोस्टपोन हो गई जर्सी, तो उसका पूरे के पूरा फायदा किसको होगा, केजीएफ चैप्टर 2 को एंड बीस्ट को साइड पर रख दो अभी, बिकॉज बीस्ट जो भी बीस्ट का फैन है, थालापति विजय का फैन है, उनके लिए मेरे पास एक बुरी खबर है, वो ये है कि भाई अभी मैं कुछ ट्वीट्स वगैरह देख रहा था, कुछ एक रिपोर्ट देख रहा था, उसमें एक ऐसी जबरदस्त ऐसी शॉकिंग चीज हमारे सामने निकल के आई है, जिसको देख के मेरे को जो गुस्सा आ रहा है वो आप पूछो ही मत। बट मैं सोच रहा हूँ अभी और टाइम है, इस आज का दिन निकाल दे, कल का दिन आने दो, कल भी अगर एडवांस बुकिंग स्टार्ट नहीं होती है, कल भी अगर इसी तरह से झोल होता है हमारे साथ, हिंदी ऑडियंस को चूतिया बनाया जाता है बीस्ट के मेकर्स के द्वारा, या फिर बीस्ट के मेकर्स इस तरह हिंदी ऑडियंस का चूतिया काटते रहेंगे, तो कल हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। बट आज के दिन शांति रखो, आज के दिन थोड़ा सा ठंड रखो, बिकॉज ऐसी शॉकिंग चीज मेरे पास निकल के आई है ना, उसका कोई मतलब इलाज ही नहीं है भाई, ऐसे चलता रहेगा तो फिर कैसे चलेगा मेरे को समझ नहीं आता। फिर तो हम ये थालापति विजय, ये अजीत सर है, रवि तेजा है, जो बड़े बड़े हीरो है सुपरस्टार है, इनकी मूवी को हिंदी में सपोर्ट करना ही बंद कर देंगे, बिकॉज आप लोगों को हमारी फीलिंग की कदर नहीं है, तो हम बेकार में आप लोगों से उम्मीदें क्यों रखें, सिंपल सी बात। अच्छा देखो अब ये जर्सी पोस्टपोन हो गई, इसको जो 2000 3000 4000 जितनी भी स्क्रीन मिलने वाली थी भीख में केजीएफ के सामने, वो अब सारी की सारी मिलेगी केजीएफ को। अच्छा आज से 15-20 दिन पहले अगर आप मुझसे पूछते कि भाई केजीएफ का जो फर्स्ट डे हिंदी कलेक्शन कितना निकल के आएगा, तो मैं बोलता 25-30 करोड़ निकल के आता, बट जिस तरह से एडवांस बुकिंग हुई तो भाई 2 दिन पहले से आप मुझसे पूछते तो मैं बोलता 50 करोड़ निकल के आएगा। बट आज जब जर्सी पोस्टपोन हो गई है तो इसका हिंदी कलेक्शन, सिर्फ हिंदी कलेक्शन 60 करोड़ के भी ऊपर जाने वाला है, मेरे को लगता है 70 करोड़ भी आ सकता है, बिकॉज सारे के सारे 100 हाउसफुल हो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ एडवांस बुकिंग से, अभी तो कितने 100 और लगेंगे, बिकॉज जर्सी नहीं है एंड बीस्ट भी नहीं है, बीस्ट है ही नहीं कहीं पे भी नहीं है, वो रिलीज होगी नहीं होगी उसका भी कुछ पता नहीं है, वो आप बोल रहे हो 800 1000 स्क्रीन मिलेगी, वो भी पता नहीं कहां मिलेगी, अंदमान निकोबार में मिलेगी उसको, ऐसा ही फील आ रहा है, बिकॉज ना कोई प्रमोशन है, ना कोई होल्डिंग है, ना कोई बैनर है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ठेंगा हिंदी ऑडियंस के लिए, सिर्फ और सिर्फ केजीएफ चैप्टर 2 थिएटर में लगने वाली है। एंड केजीएफ चैप्टर 2 मेरे को लग रहा है 70 करोड़ तो आराम से कमाएगी फर्स्ट डे हिंदी कलेक्शन। एंड ऐसे ही भाई मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ये मूवी का जो क्रेज मैं हिंदी में देख रहा हूँ, हो सकता है ये हिंदी में 500 करोड़ लेकर चली जाए केजीएफ चैप्टर 2, आप लिख के ले लो यार, सिर्फ हिंदी कलेक्शन इसका ये आ सकता है, मतलब ऐसा रिकॉर्ड खड़ा करने वाली है ना केजीएफ चैप्टर 2, आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि भाई ये रिकॉर्ड टूटने वाला है, ट्रिपल आर के सारे रिकॉर्ड टूटने वाले। एंड ये 200 करोड़ तो मेरे को इजीली लग रहा है, अच्छा 200 करोड़ तो इजीली लग रहा है मेरे को वर्ल्ड वाइड सारा के सारा मिला के, हो सकता है 200 करोड़ तो आ जाए, आई होप, या फिर 200 करोड़ नहीं भी आया तो 200 करोड़ ऑलमोस्ट टच कर ही देगी ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अगर 200 करोड़ नहीं भी आया तो 180 करोड़ 190 करोड़ तो कहीं नहीं गया इसका कलेक्शन, मेरे को लग रहा है कि इतना तो आएगा ही आएगा, बिकॉज अभी भी रिलीज होने में 3-4 दिन बाकी है और इतने सारे सोर्स और केजीएफ को मिलेंगे, बिकॉज जर्सी नहीं है तो इसका जो कलेक्शन आने वाला था उसमें आप और 30-40 करोड़ रुपए बढ़ा दो, सीरियसली बोल रहा हूं मैं, बिकॉज यार एकदम जबरदस्त केजीएफ, मैं देख रहा था कितने लोग थे, कितने लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि उनको फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकट ही नहीं मिली, तो आप 100 बढ़ेंगे तो उनको टिकट्स भी मिलेगी एंड इसका कलेक्शन एक बाप लेवल का निकल जाएगा, जो कि केजीएफ के फैंस के लिए बहुत ही जबरदस्त खुशखबरी है। एंड भाई एज अ रॉकी भाई फैन हमको और क्या चाहिए, एंड केजीएफ जैसी मूवी रिकॉर्ड ना बनाए तो मजा कैसे आएगा, एंड भाई जर्सी रिलीज नहीं होने का सबसे ज्यादा फायदा केजीएफ को होने वाला है, ये बीस्ट को भी हो सकता था बट बीस्ट के मेकर्स ने हिंदी लोगों के साथ जो झोल किया है वो तो यार मैं क्या ही सोचूं, ऐसा लग रहा है कि भाई चूतिया काट दिया हम लोगों का, बेकार में उनको सपोर्ट कर रहे हैं वो, हमारे 1 घंटा बोला हमारी फीलिंग के साथ ही खेल रहे। एंड रिलीज होने को सिर्फ कल का दिन बीच में पड़ा हुआ, एंड पता नहीं अब क्या ही बोले यार, कल के दिन
कल के दिन भी अगर ये हुआ तो मैं आपके सामने वो चीज़ लेके आऊँगा, एंड वो चीज़ 100% सही हो या ना हो, बट हिंदी ऑडियंस का चूतिया तो कटा है एंड उसका गुस्सा मिस्टर क्लाइमेक्स डेफिनेटली निकालेगा। एंड ये जो बोलते हैं सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु में काफ़ी है, तो मेरा घंटा झकमराने इसको पैन इंडिया बोलते हो, झकमराने इसको आप हिंदी में लेके आते हो, बेकार में सपने मत दिखाया करो अगर रिलीज नहीं करना है तो। वही हम 2 साल 3 साल वेट करके उसका हिंदी डब वर्जन यूट्यूब वगैरह पे देख लेंगे ना भाई, वो चल जाएगा। सपने दिखा के उम्मीदें नहीं तोड़ने का, प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। एनीवेज हमारे पास KGF, हम KGF को सपोर्ट कर लेंगे, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। एंड KGF चैप्टर 2 फर्स्ट डे हिंदी कलेक्शन कितना निकल गया प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना। एंड वर्ल्ड वाइड की तो बात ही छोड़ दो, मेरे को लग रहा है 200 करोड़ ऑलमोस्ट टच होने वाला है। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।